आपको नजर आते हैं, आप मऊ में घूमते हुए नजर आते हैं, आप सरकारी अस्पताल घूमते हैं, आप कचहरी घूमते हैं, कलस्टर। आज आप पहुंचे हैं कल्पना था की जयंती पर सेमरी से, और ये भी सूचना है कि आप सेमरी से ही आगाज करेंगे लोकसभा चुनाव का, कितना सत्य है इस बातों में? कहां सूचना है पहले बताइए। अरे मीडिया है, तमाम मीडिया वाले चला रहे हैं भाई, तमाम ब्रेकिंग दे रहे हैं, ब्रेकिंग 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 दे रहे हैं। आपको नहीं सूचना है? हमें खुद नहीं पता है। अरे कैसे नहीं पता है आपको? आप हो सकते हैं प्रत्याशी, हो सकते हैं आप। हम पत्रकार क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि मीडिया कह रही है कि हो सकते हैं। मीडिया को तो सब कुछ कह दे। अरे भाई, तो मीडिया जब कह रही है तो सही कह रही होगी। तो भाई हम यहाँ पे आए हैं कल्पना थ्राय के गांव में, आज उनकी जन्म जयंती, हम पत्रकारिता करने, कवरेज करने आए हैं, हमें तकरीर करने थोड़ो आए हैं। तो नहीं नहीं, मगर कयास तो यही लगा रहा कि घोषित चुनाव लड़ सकते हैं आप, इसलिए आप सेमरी में डेरा डाले हुए हैं, क्योंकि बहुत नेता हैं जो सेमरी दौड़ रहे हैं, सुबह से सेमरी दौड़ रहे हैं, सेमरी 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 मऊ से सेमरी, मधुबन से सेमरी, रईसा से सेमरी, कसारा से सेमरी, इंदारा से सेमरी, उधर घोषित से सेमरी, मार सेमरी सेमरी आ रहे हैं। मतलब आपको झटका लग गया नेताओं की एक्टिविटी देख करके? तो आपको जो यहाँ सेमरी आ रहा है वो नेता ही आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम जब आपको देख रहे हैं घंटों से आप यहीं पर हैं, इसका मतलब हो सकता है जब बहुत नेता आ रहे हैं और बैनर पूरे चारों तरफ छपवा रहे हैं कि लोकसभा क्षेत्र घोषी, लोकसभा क्षेत्र घोषी, अभिषेक सिंह, ये बात कहां तक सत्य है कि आप भी प्रत्याशी हो सकते हैं? देखिए ब्रेकिंग न्यूज ये है कि नेताओं की एक्टिविटी को देख करके पत्रकार को सदमा लग गया है, खबर ये है। तो संजय पत्रकार है और संजय अभी सदमा में है। सदमा की वजह क्या है कि सामने लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव देखते हुए आसपास मऊ के जितने घोषी लोकसभा के लोग हैं, मतलब इतने नेता आ रहे हैं, इतने नेता आ रहे हैं कि उन नेताओं को देख करके संजय को इस तरह सदमा लग गया है कि जो व्यक्ति आ रहा है, अगर मेरे जैसा पत्रकार भी आ रहा है तो इनको लग रहा है कि वो यहाँ से संभावित उम्मीदवार होने आए हैं। अभी सदमा से निकले, सदमे में है। नहीं नहीं, अब आपकी बात तो सुन के लग रहा है कि हम बाहर निकल आए हैं, मगर इसी तरह की चीजें निकल कर आ रही है जनपद में। आप देख रहे होंगे कि कुछ दिनों से होर्डिंग और बोर्डिंग और नेताओं की जो गाड़ियों की रफ्तार है वो लगातार मऊ से मधुबन दौड़ रही है, लगातार घोषी का पूरा चक्कर काट रही है। देखिए मैं बता दूं, संजय क्या है ना कि वास्तविकता यह है कि ऐसे ऐसे कौओ की तरह नेता घोषी में आ रहे हैं कि सभी मऊ का विकास कर देंगे। जब घोषी के मुद्दे पर, घोषी की जनता के लिए, घोषी के लोगों के लिए, घोषी के विकास के लिए बात करनी होती है तो किसी नेता का पता नहीं चलता है। आज कल्पना थ्राय की जयंती के दिन हम लोग आए होंगे गांव, तो पता चल रहा है कि कितने संभावित उम्मीदवार हैं। आज जो भी लिखा फेसबुक पर कल्पना थ्राय विकास पुरुष को मैं आदर्श मान लिया, तो सोच लीजिए कि वो चुनाव की तैयारी कर रहा है जो उनको आदर्श मान रहा है। और आदर्श कितना मानते हैं कि यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ तक कि भाजपा के विधायक, उनका पैसा विधायक निधि का वापस चला जा रहा है, इतने बड़े आदर्श मानते हैं। तो भैया ये जो मौसमी नेता है, इन लोगों से रहिएगा सावधान। और बाकी हम पत्रकार और संजय पत्रकार जैसे लोग, जितने पत्रकार साथी हैं, आप लोगों के लगातार सचेत रहेंगे कि मौसमी नेताओं से दूर रहिएगा, चुनाव में उन्हीं नेता को वोट दीजिएगा जो आपके सुख दुख में, आपके लोकसभा क्षेत्र में रहते हैं। इस बात का आपको ध्यान देना है। जाति में जाएंगे ठाकुर बाभन और अहिराना में जाएंगे तो फिर निपट जाएंगे, इस बार भी पिछले चुनावों की तरह याद रहे, अपने मुद्दों पर जो बात करेगा, अपनी बात करेगा, घोषी लोकसभा की जो बात करेगा, जो लोगों के सुख दुख में रहेगा, जो होली दीपावली पर रहेगा, आगजनी में रहेगा, सुख में रहेगा, हर वक्त आपके साथ रहेगा, उसी नेता को चुनना है। और मौसमी वैज्ञानिकों से रहिएगा सावधान, कुछ और आप देखते रहिएगा द खबरिया मऊ तक न्यूज। मैं हूँ संजय, साथ में अभिषेक भैया। संजय सदमे से निकल के बाहर, आप लोग भी सदमे में मत रहिएगा, नेता आपको सदमा देंगे, झटका देंगे, अपना डमरू बजाएंगे।